हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमर दी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार मेरे ही चैनल पर शाम को 8 बजे लाइव प्रार्थना होती है, आप लोग जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और वचनों को सीख सके, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नया तरीका प्रभु यीशु की प्रार्थना करने का, एक नया तरीका। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, वो इस तरह से थी। वचन कहता है, अगर हम आप पढ़ना चाहिए, मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये प्रार्थना परमेश्वर ने सिखाई थी, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी प्रार्थना की गहराई में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। पहले हम इस प्रार्थना को मैं आपको बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी प्रार्थना। आइए हम उस प्रार्थना को पहले सुनते हैं। लिखा हुआ है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। ये सिखाई थी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन इस प्रार्थना में बहुत सच्चाई है, इस प्रार्थना की बहुत ही ज़्यादा गहराई है। लेकिन कुछ लोग हैं इस प्रार्थना को सिर्फ पढ़ते हैं, इस प्रार्थना को मानते नहीं हैं, और ये प्रार्थना मानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गहरी बातें लिखी हुई कि हमें परीक्षा में मत डालो प्रभु जी, और हम हमारे अपराधों को क्षमा करने पाएँ, हमारे अपराधियों को क्षमा करने पाएँ। ये कुछ लोग होते हैं जो माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर हमें, हम परमेश्वर के खिलाफ चल रहे, इसका मतलब ये है। इसलिए मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगा प्रार्थना करने का, और ये भी प्रार्थना सही है, लेकिन इस प्रार्थना को ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे कि ये हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। ये सिर्फ ऐसा वो एक रट्टा लगाते पढ़ते हैं, लेकिन इसकी गहराई पर वो नहीं जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नई तरीके की प्रार्थना, और हम पहला वचन पढ़ेंगे रोमियो 8:26 में। ये एक पहला तरीका है प्रार्थना करने का। वचन कहता है रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें, मुझसे भी बोलते हैं हम प्रार्थना कैसे करें। आपने देखा होगा लोग प्रार्थना वाले प्रार्थना लिखवाते हैं, और मैं तो लोगों को बोलता हूँ आप ऐसा वल्ला करो कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दिया कर, प्रभु यीशु मसीह मेरे पति पर दिया कर, प्रभु यीशु मसीह, ये जो हम उनको प्रार्थना बताते हैं। और दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना बताई वो प्रार्थना होगी, लेकिन जो गहराई वाली प्रार्थना है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं वो बैठ जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी मेरे पति पे दया करो, प्रभु जी मेरे परिवार पे दया करो, प्रभु जी मेरे पशुओं पे दया करो, प्रभु जी मेरे बिजनेस पे दया करो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसी प्रार्थना करते आपको बहुत टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा प्रार्थना चेंज करें। कैसे चेंज करें? वचन कहता है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जैसे मेरी इस प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं वो नहीं जानते कि हमने किस तरह प्रार्थना करनी है, अब एक नया तरीका सीखिए। वचन कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, देखो कितनी गहरी बात लिखी हुई है कि आत्मा आप ही आहें भर भर कर और जो ब्याह से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की गहराई में जाने की जरूरत है हमें। प्रार्थना की गहराई ऐसे कि जैसे हम बैठ गए तो हमारा ध्यान पूरा परमेश्वर में, हमारी सोच पूरी परमेश्वर में, हमारा देखना पूरा परमेश्वर में, हमारा सोचना पूरा परमेश्वर में, हमारा बोलना पूरा परमेश्वर में, एक आत्मिक आंखें बंद कर कर, जिस तरह अलीशा ने अपने चेले से कहा था कि आत्मा आत्मिक आंखें तेरे खुलने वाली उसकी आंखें, जब उसने खोला कि परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोलो, उसने देखा कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया, वह है आत्मिक दुनिया। हालेलुया, कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने उसी जगह पर अपनी आत्मिक आंखों से देखा तो उसने बहुत कुछ पाया। और वचन भी ऐसी आपको कह रहा है कि
प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर। हम एक बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने आप ही ऐसी बातें हमें बताता है और हम जैसे भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं एक अंदर से आवाज आती है, प्रभु जी ऐसी प्रार्थना, प्रभु ऐसी प्रार्थना, प्रभु ऐसी प्रार्थना, प्रभु ऐसी प्रार्थना, वो आपके अंदर से ही निकलती है वो प्रार्थना। लेकिन कैसे, जैसे मैंने आपको वचन बताया वैसे ही रोमियो 8:26 आप पढ़ सकते हैं कि आत्मा आप ही गवाही देता है। यानी कि हम सब्जी मंडी घूम रहे हैं प्रार्थना करते हुए, ऐसा नहीं, बल्कि आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम क्या करें कि हम ना करें, हम जो बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, आत्मा ही हमारी आगे हमारी अगुवाई करता है। और दूसरा तरीका है जो दानियल ने प्रार्थना किया, पढ़ सकते हो दानियल 9:18-17 पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुन, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका, हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर, हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम तो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर। दूसरी प्रार्थना मैंने कैसे करनी है, पहली प्रार्थना मैंने आपको बताया कि आत्मिक प्रार्थना करनी है, दूसरी प्रार्थना करनी है हमने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करनी है। दानियल ने क्या किया, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया, इसको पूरी रात संभाल कर रखा, शरों के मांदों में इसको जो फेंक दिया था तो परमेश्वर ने इसको बचा कर रखा। जब हम गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम हमारे हालात ऐसे होते हैं कि मरने पे हालात होते हैं हमारे, जब हमारे हालात ऐसे होते हैं कि अब तो हम गए, अब तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, तब हम जो गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर। जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर पर भरोसा रखेगी, प्रभु ने ऐसा काम किया, प्रभु ने ऐसा काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया, तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर। दूसरी बात, गिड़गिड़ाकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और तीसरा तरीका और लास्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, लुका 18:9 में लिखा हुआ है कि यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि यहां पर वचन कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हमें धर्मी और दूसरों की तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत का, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न चुंगी लेने वाले के समान, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। वचन अभी क्या कहता है कि एक व्यक्ति है दो, और वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ और मैं व्यभिचार भी नहीं करता, और मैं इस इंसान की तरह चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ, मैं 10वां हिस्सा भी निकालता हूँ। ये बातें सब सही कह रहा था, ये गलत नहीं कह रहा था, ये सब सही कह रहा था, लेकिन इसने एक बात गलत कह रहा था कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। और दूसरी जगह ये लिखा हुआ है कि जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या प्रार्थना कर रहा है, वो उसने अपना सिर भी नहीं उठाया परमेश्वर के सामने और अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ये देखिए, जब हम तीसरा तरीका है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों को ना तोले कि मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ। मेरी भी एक सोच है, मैं किसी को कभी फॉलो नहीं करता और ना किसी को मतलब वो ऐसा करता हूँ भाई चलो वो ऐसा नहीं, बल्कि मैं हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनकर, वो परमेश्वर जो मुझसे कहे तो वो सुनकर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि लोगों को वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, मुंह से चाहे बात लगे लेकिन प्रार्थना करते समय किसी के बारे ये ना बोले कि वो तो ऐसा है, वो तो प्रभु जी वो जो
चलो मान लो दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं मान लो, और चाचेताओं के हैं मान लो, वो कह रहा है कि आज इसने तो घर में ये तो ऐसा कर रहा है, वो कह रहा है ये घर में ऐसा कर रहा है, तो ये नहीं है। मतलब कि जब प्रार्थना करो तो एक साफ मन होकर कि प्रभु जी हाँ मैंने अगर आपने गलती की तो परमेश्वर के सामने गलती को माने कि हाँ मेरे से गलती गुना हुए हैं। और यहाँ पे लिखा कि वो छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर मुझे माफी पर दया कर, और उसने अपनी आंखें उठाकर भी नहीं देखा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने इसको अच्छा कहा, ना कि उसको। वो भी काम सही कर रहा था, वो अपनी दशमांश भी निकाल रहा था, अपनी भेंटे भी निकाल रहा था वो। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि अगर हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि जब प्रार्थना करने लगा कह रहे प्रभु जी वो तो ऐसा है, वो टीम वाला लड़का तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो टीम वाली लड़की तो ऐसी है, मैं ज्यादा पवित्र हूँ, मैं ज्यादा महान हूँ। वचन कह रहा है कि जो अपने आप को ज्यादा ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। और ये मैंने हमेशा देखता हूँ हमारे चर्च में भी और अदर जगह पर भी, जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना इसका वो भी सही प्रार्थना, लेकिन वो बोझ सी बात तो इसके अंदर लिखी हुई है कि आप उन चीज़ों को बोलते हो लेकिन उनको मानते नहीं हो। आप अपने परिवार को नहीं क्षमा कर पाते तो आप अपने अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते, इसका मतलब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं परमेश्वर के अंदर से कि एक आत्मिक प्रार्थना करें, दूसरी बात एक गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें, तीसरी बात जब आप प्रार्थना करें तो किसी को बीच में ना लेकर आए, सिर्फ आप और परमेश्वर और आपका रिश्ता। तो प्रभु आपको आशीष दे, आप फलवंत हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता जिन्होंने प्रार्थना को सुनी है, शैतान इस प्रार्थना को चुराने न पाए, इनके जीवन में मजबूत कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, मेरे पिता परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाएं, आशीष को पाएं, ब्लेसिंग को पाएं, प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। इस प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटे और आप आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक बड़ी कल के लिए एक जो प्रार्थना सभा है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और कल 10 मई है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही आशीष देने वाला है, बंधन टूटेंगे आपके, कल जरूर जुड़े, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।